Hello friends, in the last lecture we have discussed how to draw the Mohr circle. In this video we will draw the Mohr circle for a more complex condition, and as well as we will find out the principal stresses using the Mohr circle. So aaj is video mein we are going to draw the Mohr circle for a more complicated situation. लास्ट क्लास में जब हमने मोहर सर्कल ड्रॉ किया था तो इट वाज ओनली सब्जेक्टेड टू टू नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। अभी हमारे पास जो लैमिना है, जो बॉडी है, इस बॉडी पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई एक्ट कर रहा है और उसके साथ साथ यहां पर शियर स्ट्रेस टाउ भी एक्ट कर रहा है। अब इस लोडिंग कंडीशन के लिए हमें मोहर सर्कल ड्रॉ करना है और यूजिंग द मोहर सर्कल हमें इस बॉडी में मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। अब मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यानी क्या। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन द प्लेन on which the shear stress is zero. Principal stress normal stress होता है उस plane पर जिस plane पर shear stress की value zero है। एक अगर simple example ले, एक बहुत simple example लेते हैं, यहां से principal stress find out करने की कोशिश करते हैं। ये एक लैमिना है जिसमें एक स्ट्रेस सिग्मा एक्स एक्ट कर रही है। जिस प्लेन पर सिग्मा एक्स एक्ट कर रहा है इस प्लेन पर किसी प्रकार का कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू मेरे को मिल गई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्लेन पी एन पर किसी प्रकार का कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, तो इस प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी दैट विल बी सिग्मा 2। तो हियर सिग्मा 2 इक्वल टू 0। ये बहुत ही सिंपल कंडीशन थी, यहां पे का ऑब्जर्वेशन का प्रिंसिपल स्ट्रेस को ऑब्टेन कर सकता था। लेकिन अगर हम इस कंडीशन की बात करें, प्लेन MN पर नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स आ रही, लेकिन यहां पर शियर स्ट्रेस टाउ भी एक्ट कर रही है, इसलिए सिग्मा एक्स इज नॉट द प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिमिलरली ऑन द प्लेन PN देयर इज अ नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई बट शियर स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू टाउ, सो सिग्मा वाई इज नॉट सिग्मा 2। चलिए अब बाय ड्रॉइंग द मोहर सर्कल वी विल फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एज वेल एज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोहर सर्कल ड्रॉ कैसे करना है। मोहर सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमको दो प्लेन चाहिए विच आर एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये प्लेन MN और PN, प्लेन MN एंड PN आर एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब इन दोनों प्लेन पर मेरे को स्ट्रेस की कंडीशन पता है। प्लेन MN पर नॉर्मल स्ट्रेस कितना एक्ट कर रहा है दैट इज सिग्मा एक्स, और शियर स्ट्रेस कितना एक्ट कर रहा है दैट इज इक्वल टू टाउ। सिमिलरली ऑन प्लेन PN नॉर्मल स्ट्रेस कितना दैट इज सिग्मा वाई, और शियर स्ट्रेस कितना दैट इज आल्सो इक्वल टू टाउ। बट here we have to follow the sign convention. दोस्तों अगर normal stress tensile है उसके लिए हम positive sign use करेंगे, normal stress अगर compressive है तो उसके लिए हम minus sign use करेंगे। यहां पे sigma x tensile था इसलिए हमने plus sign लिया, सिग्मा वाई भी टेंसाइल है इसलिए ये भी प्लस होना चाहिए। कन्वेंशन फॉर द शियर स्ट्रेस
if shear stress is clockwise, we consider it positive. अगर शेयर स्ट्रेस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और यदि शेयर स्ट्रेस काउंटर क्लॉकवाइज है तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव. नाउ इन दिस कंडीशन शेयर स्ट्रेस ऑन द प्लेन MN इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट विल बी पॉजिटिव. बट on the plane PM, it is in the anti-clockwise direction, hence it will be minus. So, shear stress on the plane MN is minus tau, whereas on the plane MN it is plus tau. So, now we have obtained the stress condition on the two plane MN and PM. These two planes are at the angle of 90 degree, so hum jante hain कि मोहर सर्कल पर ये दो प्लेन 180 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए. नाउ कैन यू लोकेट द प्लेन MN ऑन द मोहर सर्कल? क्या आप इस मोहर सर्कल में प्लेन MN को लोकेट कर सकते हैं? क्या कंडीशन है? कंडीशन है नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा एक्स एंड शियर स्ट्रेस इक्वल टू टाउ. It means that point C will represent the plane MN. Point C will represent the plane MN. Now, can we locate the plane PN on the Mohr circle? The stress condition on the plane PN is sigma y and minus tau. Sigma y, and this is equal to tau, and it is in the negative direction. So the point D will represent the plane PN. मुझे दो पॉइंट मिल गए C और D. Now I come to know कि C and D are two diametric points of the Mohr circle. तो एक लाइन ज्वाइन करूंगा C और D को ज्वाइन करने के लिए. ये मुझे मिल गया डायमीटर ऑफ द मोहर सर्कल. ये अगर डायमीटर हुआ तो पॉइंट O dash इज द सेंटर. O dash को सेंटर लेकर अब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, एंड नाउ आई कैन कंप्लीटली ड्रॉ द मोहर सर्कल. तो अब हमने मोहर सर्कल ड्रॉ कर लिया. मोहर सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब मुझे कैलकुलेट करना है सिग्मा वन और सिग्मा टू. सिग्मा वन यानी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस. प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है? प्रिंसिपल स्ट्रेस उस प्लेन पर स्ट्रेस होती है जहां पर कि नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होता है. तो आप देख सकते हैं कि ये दो पॉइंट है, पॉइंट वन और दिस इज पॉइंट टू. इस पॉइंट पर वी कैन से दैट द शेयर स्ट्रेस इज जीरो. एट पॉइंट टू द शेयर स्ट्रेस इज जीरो. इसमें से हायर वैल्यू कौन सी है नॉर्मल स्ट्रेस की? वो पॉइंट वन पे आ गई. तो स्ट्रेस एट पॉइंट वन, स्ट्रेस एट पॉइंट वन विल बी इक्वल टू सिग्मा वन. Now, what is the value of sigma 1? The value of sigma 1 is equal to over O dash plus the radius. Right? What will be the value of sigma 2? The value of sigma 2 is O dash minus radius minus R. So, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमको कौन से पॉइंट पर मिलेगा? हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है वो हमको इस पॉइंट पर मिलेगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस. सो आई कैन राइट टाउ मैक्सिमम इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल. टाउ मैक्सिमम इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल. सो नाउ व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट इज द वैल्यू ऑफ ओ डैश एंड द रेडियस. अब OO dash की वैल्यू क्या होगी? OO dash is equal to OA plus AO dash, right? Now we know that OA is equal to sigma y,
और ए ओ डैश क्या होगा, ए ओ डैश आई कैन राइट दैट ए ओ डैश इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई टू, ए बी डिवाइडेड बाई टू. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओए, ओए इज इक्वल टू सिग्मा वाई एंड ए ओ डैश, ए ओ डैश इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई टू. तो ए बी क्या हो, सिग्मा एक्स, इसमें से मैंने माइनस किया सिग्मा वाई, ये हो गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई टू. सो ओ ओ डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई टू, राइट. नाउ आई कैन कैलकुलेट, नाउ आई कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल. What will be the radius of the Mohr circle? Let's find it out. Radius of Mohr circle. इसको मैं Pythagoras theorem से obtain कर सकता हूँ. Radius क्या होगा? O dash c. O dash c is the radius. So radius is equal to under root O dash b whole square plus bc whole square. We can say that O dash b is equal to AO dash. So that is equal to root over sigma x minus sigma y divided by 2 and bc is nothing but the shear stress, so that is equal to plus tau square. So we have obtained the value of o dash and the radius. So now we can easily obtain the value of sigma 1 and sigma 2. So sigma 1, as we have calculated, it is O dash plus R, and we obtain the value of O dash is equal to sigma x plus sigma y divided by 2 plus root over sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau square. The value of sigma 2 is equal to O dash into sigma x plus sigma y divided by 2 minus the radius is equal to sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau square, and the value of the maximum shear stress is equal to radius is equal to root over sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau square. So I hope now it will be clear to you how to draw the Mohr circle for a more complex situation, point number one, and you should come to know what is the meaning of the principal stresses. Thank you for watching our video, and remember, mechanical matlab gate meter.